हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, खासकर रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और नए लोग हैं जो कि सब्सक्राइब, और अगर पुराने लोग हैं पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज मैं आपको डेट बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी की मिनिस्ट्रियल के, और आरआरबी ग्रुप डी की भी है, जो कि परीक्षा की तिथि है जो कि लगभग जारी कर दी गई है। कब से कब तक परीक्षाएँ होंगी, ये सारे असमंजस है जो कि खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सिलेबस देखते हैं, इसमें क्या होगा। तो इसमें है जो कि सेक्शन क्या क्या रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो तीन सेक्शन रहेंगे, तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन। तो 40 जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स से 30, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न रहेंगे। और ये 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों के रहेंगे ये, और 90 मिनट है जो कि समय रहेगा। तो सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको मैथ और रीजनिंग जिनकी अच्छी है उनके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है सीबीटी 1 निकल। जिनकी औसतन है उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर जीएस आपकी एवरेज है और मैथ और रीजनिंग है जो कि अच्छी है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जीएस अच्छी है और मैथ रीजनिंग ख़राब है तो आपके रिजल्ट अटक सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तो ध्यान देने वाला रीजनिंग भी बहुत मेहनत के बाद से, लेकिन मैथ्स जिनके कन उनको डर लगता है, इस डर को दूर करने के लिए आपको आर एस अग्रवाल और जो अंक गणित के सेट प्रैक्टिस हैं, चाहे एसएससी सीजीएल के हों या एसएससी इंटर लेवल सेंट्रल के हों, तो उसके जो कि मैथ्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और निगेटिव कितना है, तो 1/3 है। रेलवे में निगेटिव कितनी होती है, तो 1/3 मतलब 100 क्वेश्चन है जो कि आपको 90 मिनट में बनाना है। और हर बोर्ड की अलग अलग है जो कि कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से निकाला जाता है। सीबीटी 2 में क्या होता है, तो 120 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी वही लगभग हालात है, थोड़े से अंकों के चेंज हैं। जनरल अवेयरनेस में 50 है, मैथमेटिक्स में 35 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 है। टोटल 120 क्वेश्चन है 90 मिनट में। और तो ये रहा आपको 120 क्वेश्चन बनाना। इसमें भी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है जो कि काफ़ी वैल्यूएशन है, तो कहीं ना कहीं जो कि मैथमेटिक्स और अगर ख़राब है तो उसको अच्छा करें, अगर अच्छा है तो उसको प्रैक्टिस जरूर करें। ये ना सोचे कि बहुत अच्छा है तो प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है इतना। और उसके बाद पोस्टें कौन कौन सी हैं, तो ये टाइपिंग वाली पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ये सब का कट ऑफ है जो कि आपको कम जाएगा। हालांकि ये प्री में तो सभी के रिजल्ट एक ही साथ आएंगे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में है जो कि आपको ये सब रिजल्ट है जो कि मायने रख सकता है। पैटर्न क्या है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का, तो पहला है जो कि आपको सीबीटी प्रीलिम्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ, ये क्वालिफाई सीबीटी 1 जो परीक्षा होगी। सेकेंड स्टेट सीबीटी, ये मेंस होगी। और तीसरा टाइपिंग स्किल होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल, उसके बाद है जो कि फाइनल सिलेक्शन मतलब मेरिट बनेगी आपकी। मतलब शुरू पहले क्या होता था कि मेडिकल तभी बनती थी जब आप फाइनली सेलेक्ट हो, नहीं तो नहीं बुलाया जाता था, बेटिंग वाले को भी नहीं बुलाया जाता था जनरली। लेकिन अब क्या है कि बेटिंग वाले को मेडिकल बुलाया, फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी सारी चीज़ें सही होगी इन चारों परीक्षाओं की, ये जो पांच परीक्षाएं हैं, तभी ये जो कि आपके सिलेक्शंस होंगे। अब आते हैं आरआरबी आरआरसी जो ग्रुप डी की पोस्टें हैं उसमें क्या, इसमें भी वही है, आपको जनरल साइंस 25 है, मैथमेटिक्स 25 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 है, और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स में 20 हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको 1.5 घंटे की रहेगी, 90 मिनट की, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, 1 ईच मार्क पे, 1/3 है जो कि निगेटिव रहेगा, और कम से कम यूआर के 40%, ईडब्ल्यूएस के 40, ओबीसी के 30, और एससी एसटी के जो कि एससी के 30 है, और एसटी के 25% लाना अनिवार्य है। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा आरआरसी का, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड कुक पाइप्स एंड सिस्टम्स। जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सेलोलिंग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन,
डायरेक्शन स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन ETC ये सब रहेंगे। जनरल साइंस में क्या रहेंगे आपको सिलेबस वह है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से 10th स्टैंडर्ड CBSE का रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में क्या रहेगा नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कल्चर पर्सनलिटी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस जो रहेगा ये 20 मार्क्स से रहेंगे। और RRC में फिजिकल क्या होता है तो लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट एंड डिस्टेंस 100 meters इन 2 मिनट विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड शुड बी एबल रन डिस्टेंस ऑफ 1000 meters इन 4 मिनट एंड 15 seconds इन 1 चांस। ये मेल के लिए फीमेल के लिए क्या हो जाएगा लिफ्ट एंड कैरी 20 kg 100 meters से जो कि 2 मिनट में मतलब 15 kg कम है इसमें। और 1000 जो मीटर्स है 5 मिनट एंड 40 seconds इन 1 चांस। तो ये आपको पूरा प्रोसेस अब जो सबसे बड़ा जो बताने ये तो सिलेबस हो गया और आपको परीक्षा ये जो है आप देख रहे हैं RRB ये जो आइसोलेटेड जो है आपको एंड मिनिस्ट्रियल के स्टेनो टीचर्स के ये सब के परीक्षा सबसे पहले होगी। टोटल वैकेंसी क्या है 1663 1.03 लाख इसमें बैठेंगे। CBT फॉर्म 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तो मिनिस्ट्रियल की परीक्षा कब होगी तो 15 से 18 दिसंबर 2020 के बीच होगी। 1/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर NTPC स्टेशन मास्टर बोर्ड का ऑफिशियल कमर्शियल क्लर्क 35,208 वैकेंसी 1.26 करोड़। CBT होगा इसका 28 दिसंबर से इंड मार्च 2001। तो बहुत बड़ी खबर है कि आपको RRB NTPC है जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 31 मार्च 2021 तक है जो कि आपको ये परीक्षा ले ली जाएगी। तो अब आप लोगों को वेट ज़्यादा नहीं बहुत सारे लोग कर रहे थे जनवरी में शुरू होगी तो फरवरी में RRB NTPC लेकिन आपको 28 दिसंबर से RRB NTPC की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है और उससे भी बड़ी खबर है RRC जो ग्रुप डी की थी बहुत सारे लोग सोच रहे जून के बाद ही अब परीक्षा होगी लेकिन ऐसा नहीं है। Level 1 ट्रैक मेंटेनेंस पॉइंट्स मैन एंड वेरियस Level 1 इम्प्लाई वैकेंसी कितना 1,03,769.15 करोड़। और ये जो है परीक्षा CBT फॉर्म अप्रैल 2021 से जून 2021 तो मतलब आप जो सोच रहे थे कि जून जुलाई के बाद परीक्षा होगी ये अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी तो आप लोग जो दोनों तीनों परीक्षाएं हैं तैयारी कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम को आपको लगभग एक आइडिया मिल गया है अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब परीक्षा नहीं होगी अब आपकी परीक्षा होगी। अब आपको तैयार रहना है कि आपकी तैयारी कैसी है अगर तैयारी में कुछ कमी है खासकर मैथ्स रीजनिंग में तो आप है जो कि उसको प्रैक्टिस करके सही कर सकते हैं। और रेलवे के लिए क्या किया रेलवे के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको ज़रूर देखें उसके बाद आप चाहे ल्यूसेंट पढ़ते हों या घटना चक्र पढ़ते हों या जो भी किताब पढ़ते हों उसको एक ही किताब को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि कोई यूनिक पढ़ रहा है तो कोई स्पार्क पढ़ रहा तो आपने जो पढ़ा उसी को अगर अच्छे ढंग से पढ़ें और सेट प्रैक्टिस है जो कि ज़्यादा करें। जो बहुत सारे लड़कों की कमजोरी होती है वो सेट प्रैक्टिस में इंटरेस्ट सिर्फ थ्योरी पर थ्योरी पढ़ते जाते तो जितना आप सेट प्रैक्टिस करेंगे और जो जितना किए हैं उनका सुधार होगा। और मैथ और रीजनिंग पर है जो कि इस पर ज़्यादा फोकस दे क्योंकि ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस इन्हीं पर है। और जिनके सिर्फ GS ठीक हैं और मैथ रीजनिंग कमजोर है उनको तो ज़्यादा देना है और जिनके मैथ रीजनिंग ठीक है वो थोड़ा सा GS पर ध्यान दें। तो ये अपडेट आपको निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी देने वाला होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।